बेली फैट की समस्या को दूर करने के लिए हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं, जिससे कि इन अभ्यासों को करने में आसानी रहे। यह अभ्यास हमारे पेट के लिए, हमारी पीठ के लिए, हमारी कमर के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को करने से हमारे जिन लोगों को पेट में फैट बढ़ने की शिकायत होती है कि समस्या दूर होती है। और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाएं, आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए दूसरे पैर को, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों को कम से कम 15 से 20 बार अप डाउन करते हैं। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को एक साथ श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाएं 90 डिग्री के एंगल में, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे अपने हील को जमीन पर स्पर्श नहीं कराते हैं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 20 से 25 बार करें स्टार्टिंग में, और फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 40-50 तक कर सकते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारा पेट हल्का और नरम होता है। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को फैला लेते हैं और ऐसे अपने पैरों को 4-5 बार अप डाउन करते हैं और रिलैक्स हैं। इसके बाद हम करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। यह भी स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने हाथ की दो उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें और अपने हाथ को ऐसे अपने दूसरे थाइस के पास ऐसे रख लें, और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हुए। फिर दूसरी साइड से अपने हाथ से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लें और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हुए आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकंड तक रुकें। फिर सीधे दूसरी साइड से ऐसे ही दोनों पैरों से 4-5 बार कीजिए। इसके बाद इस सुप्त पाद अंगुष्ठासन के थोड़ा एडवांस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने हाथ की दो उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए आपने ऐसे अपने पैर को सीधा करना है और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कान के समीप बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करते हैं। अपने पूरे शरीर को एक सीधी रेखा में लाने की कोशिश करते हुए ऐसे ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। अपने दूसरे हाथ का भी ऐसे सपोर्ट लेते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लें। यह स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारे पेट की हर एक मांसपेशी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को कीजिए और फिर नीचे। फिर ऐसे ही दूसरी साइड से ऐसे अपने हाथ की डोंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे अपने कान के समीप
बिल्कुल सीधी रेखा की तरह लाते हुए इस अभ्यास को आप एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो इस अभ्यास को ना करें। फिर सीधे